बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? वेलकम टू बॉल नाइट्स विद एहसन खान। आई होप एवरीथिंग इज गुड और जिंदगी अच्छी चल रही है, क्योंकि हमारी भी बहुत अच्छी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। आज बड़ा मूड हो रहा था जब आप अभी नहीं आए थे यहाँ पे, तो मैं थोड़ा म्यूज़िक बजाना चाह रहा था, तो वो जहन में आया कि म्यूज़िक और गाने और इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें करने का दिल कर रहा है। अच्छा, क्योंकि हम आपको बताते हैं कि फीडबैक जो है, जिस तरह बोल का यूट्यूब चैनल भी है, बोल की जो वेब पेज है उस पर भी एक प्रॉपर आप लोगों का फीडबैक मैसेजेस हम पढ़ते रहते हैं और इनबॉक्स मैसेजेस भी इनको जाते हैं, तो फिर मुझे ये बताया जाता है और मुझे मैसेजेस दिखाए जाते हैं। बल्कि किसी ने ऐसा करें कि मैं यहाँ पे हाँ कोई आईपैड वगैरह लेके आऊँगा और मैसेजेस पढ़ूंगा आप लोगों के नामों के साथ, कैसा आइडिया है? अगर ये आइडिया अच्छा लगे तो इसका भी फीडबैक दें आप मुझे। शुड आई रीड योर मैसेजेस? इनफैक्ट मैं ये सोचा था कि क्यों ना ऐसा करें कि आपकी अच्छी अच्छी वीडियो मैसेजेस यहाँ पे चलाए जाएँ, यानी विद योर फेस, अगर आपका चेहरा आप चाहते हैं कि हमारे साथ स्क्रीन पे आए तो हम वो भी चला सकते हैं। मैं अपने प्रोड्यूसर को वैसे ही अभी आइडिया दे रहा हूँ, क्या ख्याल है प्रोड्यूसर साहब, सही आइडिया मेरा? हाँ, वो कह रहे हैं ज़बरदस्त आइडिया है। वैसे हॉल में बोलते तो और भी अच्छा लगता, वो एक आवाज़ आती ना, कहीं इंसान नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ माइक पर आवाज़ आती है। ये है मेरे प्रोड्यूसर जो कहीं और बैठे बोल रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि वीडियो मैसेजेस लोगों के लेंगे, वो भी चलाएंगे हम फ्यूचर में, और फीडबैक ऑब्वियसली। अच्छा, मुझे क्योंकि हमने स्ट्रिंग्स का शो किया, लोगों ने बहुत पसंद किया, फिर अभी रिसेंट हमने फलक को जब बुलाया तो वो भी लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आप लोग गाने भी सुनना चाहते हैं, यू लाइक म्यूज़िक एंड ऑल दैट, और भी हमारे जो यहाँ पे आए हैं। अच्छा, तो फिर हमारे पास जो बहुत से नाम आए हुए थे उनमें से हमारे पास दो नाम बड़े ज़बरदस्त आए हुए थे, और वो ऐसे नाम है कि उनके गाने, उनका काम कब से हम देखते आ रहे हैं, कब से सुनते आ रहे हैं, कब से चल रहा है माशाल्लाह, एंड मतलब आई थिंक उन्होंने जितना काम किया है वो अनबिलीवेबल काम है यार। और फिर उनके गानों की बाहर के मुल्कों में कॉपी होना और फिर अवाम में बहुत पॉपुलर होना, तो हमने बुलाए हैं आपके बड़े प्यारे पसंदीदा हमारे सिंगर्स आज, और वो सिंगर कौन है, तो पहले बुलाते हैं जनाब हसन जहांगीर को। आपका ये गाना जो है जी, ये तो 17-18 बार कॉपी हो चुका है इंडिया में भी माशाल्लाह, मतलब वो लोग भी तंग नहीं आए इस गाने से कि एक कॉपी, दो कॉपी, 3-4-5-17 और 18 टाइम्स माशाल्लाह से। इस वक्त दुनिया की इंटरनेशनल एक बोर्ड बैठ रही है, उस पर वो डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या बात है इसमें कि इस गाने को दुनिया भर के सिंगरों ने भी गाया, कॉपी भी किया और गा भी रहे। ये आपका तो ओरिजिनल था ना माशाल्लाह से, बस मुझे यही कंफर्म करना था कि ऐसा तो नहीं, आप अक्सर होता ना कहीं से अरब, हम बिलोंग करते हैं आसमानी फैमिली हमारी, ठीक है, तो ये ईरान का आसमान से ताल्लुक है, तो ये फोक एक बीट है, वो उस बीट से मेरी जो दादी थी मरहूम वो मुझे सुनाती थी, गोद में सुनाती थी, तो वो बहुत उनका वो प्रश्न ऐसे कर सुला देते हैं, तो ये मेरे जहन में था, तो फिर इसको क्रिएट करके अपने अंदाज से। तो आपके लिए तो बड़ा स्पेशल है यार ये गाना कि दादी लोरी के तौर पे सुनाती थी और आपने उनसे सुनते सुनते आप बड़े हुए, आपने हमें सुनाया, अभी पूरी दुनिया में ये अल्लाह की रहमत से, आप लोगों की दुआओं से और माशाल्लाह माशाल्लाह से कि बड़े बड़े, मतलब आप सोचे कि दुनिया के बड़े जितने भी सिंगर्स हैं जिनको हम फॉलो करते थे, देखते थे, आज वो भी उन्होंने भी ये सारे गाने गाए।
क्या बात है जी, बहुत मजे मजे गाने। जरा बताइए दूसरा गाना कौन सा जो बहुत हिट है। दिल जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो, हटो बचो, दिल जो दुखाए ऐसी बातें कभी ना कहो, हटो बचो। सीनी मिनी मिनी सीनी हिट सॉन्ग वो, सीनी मिनी मिनी सीनी सारे गाए जो, सीनी मिनी मिनी सीनी वेरी गुड वो, सीनी मिनी मिनी सीनी जिस लव आराम से इत्मीनान। ये यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए गाना है। यस, एक रोटी होगी 50 खाने वाले होंगे, वो टाइम अब आ गया। तो इसको देख के मैंने गाना बनाया था, हिप हॉप ना चुगाओ हंस खेलो तुम, हिप हॉप ना चुगाओ मच कर तुम, हिप हॉप ना चुगाओ खाओ पियो तुम, हिप हॉप ना चुगाओ घूम फिर तुम, बट आई एम गोना टेल मिस्टर एवरीबॉडी, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। क्या बात। अच्छा, आपको एक बात का अंदाजा है कि आप, मतलब आपके गाने भी हिट हैं, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो भी एक अलग सी पर्सनालिटी है। मतलब आए, ये किसी से ना मैच करती है, ना ये इस तरह की कि हर कोई ऐसा नज़र आता हो। एक तो आपको हमने हमेशा इस तरह के हेयर स्टाइल में, इस तरह के आपके बूट्स जो हैं ये लॉन्ग, थोड़े एंकल तक जो बूट्स हैं वो, आपकी ग्लासेस जो आप हर वक्त पहन के, ये मतलब एक अपना खास बनाया या है ही ऐसा? इट्स समथिंग न्यू, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में इन हो रहा था तो बड़े बड़े पिलर्स थे, उनको मैं देखता था, किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है, कोई गाता बहुत अच्छा है, किसी की हाइट बहुत अच्छी है, किसी का बिल्ट अच्छा है, तो मैंने सोचा एक एक आदमी में एक ही क्वालिटी है, तो क्या नहीं ऐसा हो कि ये सारी क्वालिटी एक आदमी में हो तो फिर क्या इनकलाब आएगा। तो ये मैंने पूरा फोकस प्लानिंग करके मैंने जिम शुरू किया, फिटनेस ट्रेनिंग की, मैंने हेयर स्टाइल को देखा। फिर उस ज़माने में जाहिर है नया टाइम था, मीडिया टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी, तो बड़े बड़े जो रोलिंग स्टोन के बुक्स और मैगजीन्स वगैरह, अपबीट मैगजीन्स, इनको मैं रीड करता था, देखता था कि दुनिया में क्या ट्रेंड चलता है, जो टीनेज के लोग हैं उनका क्या स्टाइल होता है, उसको स्टडी किया मैंने, उसके हिसाब से वो अपना स्टाइल मैंने फिर अपना एक गेटअप बनाकर, अपना एक फ्लेवर डाल के अपना ट्रेंड बनाया, और उसमें अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता की। कितने साल हो गए? माशाल्लाह माशाल्लाह से 1980 से मैं गा रहा हूँ। माशाल्लाह ऑलमोस्ट 40 इयर्स, राइट? माशाल्लाह। और ये स्टाइल जो है तब से 40 इयर्स से चेंज वेरिएशन देता रहा, हल्का फुल्का, लेकिन एक एक जो ओवरऑल स्टाइल है वो यही रहा। जी, अपना एक गेटअप है, जैसे हिप हॉप सॉन्ग होगा तो उसमें मेरे स्ट्राइप बाल होंगे, गेटअप होगा, बड़ी बड़ी आस्तीन के कपड़े होंगे, पैंट यहाँ से नीचे लटक रही होगी, अजब होगा ट्रेंड के साथ। So nice, यार, ये मतलब हमारे पाकिस्तान में बहुत आप एक फेमस सिंगर हैं, शख्सियत हैं, एंड यू हैव अ वेरी इंडिविजुअल स्टाइल। मस्त है कि आपके तमाम गाने बड़े हिट हो, अल्लाह की रहमत से। अच्छा, एक और आपके दोस्त हैं बड़े प्यारे, हमारे भाई हैं, और उनको तो हम PTV पे देख देख के बड़े हुए हैं, और उनके मिली नगमे और क्या वो गाते रहे हैं, और अपने ज़माने के वो भी पॉप आइकॉन रह चुके हैं। मतलब 3-4 नाम जब मैं लेता हूँ तो उनमें से एक नाम ये है, तो उनको बुलाएं। जरूर, क्यों नहीं। इससे बड़ी जनाब, वेलकम मोहम्मद अली शेखी। क्या हाल है? खैरियत से है, ठीक ठाक है। बैठिए। अस्सलाम यार शेखी भाई, ये ऐसा गाना है, और इस तरह कई आपके गाने बैठ जाइए, जो जब सुनते हैं तो लगता है कि ये तो फ्रेश, मतलब इसमें कोई, ये कितना पुराना गाना है पहले ये बताइए। 30 years। इसी बात के तो पैसे होते हैं। अच्छा, अच्छा ये सोच के बना। No, but honestly, it's such a fresh song. You know, you can reuse it somewhere. You can sort of re-sing it as well, rearrange it as well. उसको tune बड़ी fancy सी, मजे की upbeat tune है। There's some songs that are never-ending songs. You see, it's a cycle. You keep on singing this song, you keep on coming back. No, but nowadays, usually what happens is you listen to a song for the time being, you forget it. It's the timeless songs, you see. Timeless. The timeless songs. In any era, in any age, these songs are liked because they're made by very good composers, very good poets, sung by very good singers, of course.
अच्छा अपनी तारीफ जल टुगेदर नहीं नहीं ऐसे बोल ओके नहीं आपका अपना अपने गानों में से इस तरह के गानों में सबसे फेवरेट गाना कौन सा Oh, you see, I cannot. It's difficult. It's एक जो बहुत आपको लगता है कि लोगों ने लोगों को बहुत पसंद है ये वाला एक मैंने फिल्म में गाया था वो हिसाब फिल्म का सॉन्ग था जो कि पड़ोसी मुल्क के एक कंपोजर ने बनाया था नहीं आप इंडिया के जब सकते तक हैं। हाँ ओके जब जब तक जहाँ है जाएंगे तुमको हम बस इतना ही कहना है Such a nice song. Oh, this song, when I sang this song, you know, then I was accepted to sit in the musicians and directors in Lahore. Otherwise, I was not allowed. You were not allowed. अच्छा इस गाने का जो इंडिया में कॉपी हुआ वो वर्जन वो वर्डिंग्स डिफरेंट थे यही वर्डिंग्स थे कॉपी नहीं कुनी इट वॉज डन बाय द कंपोजर एंड बोथ द सिंगर्स इसी इंडिया से कोई भी ट्रैक बगैर सिंगर्स के गाए हुए बाहर नहीं आ सकता था तो वी हैड टू गेट इट संग बाय अदर सिंगर्स वो देयर नेटिव सिंगर्स देन आई सैंग इट ऑफ कोर्स आई सैंग ऑल द फाइव फिल्म में यूज हुआ था या फिल्म में यूज हुआ पाकिस्तानी फिल्म में फिल्म और उधर भी फिल्म में यूज हुआ हिसाब फिल्म जिसमें मोहसिन खान एंड बाबरा शरीफ थे दैट्स द फिल्म Oh, the film name is, I'm sorry, film name is Raaz. Raaz, because Mohsin Khan अंधे बने हुए हैं He's playing a visually impaired guy. अगर आप मुझे तो याद है फिल्म में देखी है। Incapacitated. आपने भी तो फिल्म की है। जी? आपने भी तो फिल्म की थी। मैंने 10 फिल्में की। Yes. 10 movies. 10 movies. You know when you do one movie, you're like doing one life. Oh. Yeah. Then you do a second movie, it's second like life. Doing another life. Favorite heroine कौन थी तब साथ कौन आपकी? Heroine मेरे साथ सारी आ चुकी हैं। Favorite कौन सी? Barbara. Barbara was my favorite, of course. And Bangladesh ki thi Rozina, very talented artist, I must say. Aur uske alawa Nepal ki heroine thi, uske alawa co-production Malaysia ki heroine thi. And well, theek hai. Acha daure hazir ke singers mein se kaun favorite hai aapke daure hazir ke abhi jo? Abhi to main zara mera ek association chal raha hai, to mujhe Arman Malik is nice. Okay, you like him. Theek hai. ठीक है आपको कौन लगता है कि आजकल के दौर में जो बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं या म्यूजिक भी अच्छा हो सकता है नॉट दैट कि वो क्लासिकली ट्रेंड है कुछ ही कुड डू गुड म्यूजिक और समथिंग हां इफ यू शी से क्लासिकली ट्रेंड दैट इज राहत फतेह अली खान ऑफ कोर्स ठीक है यू नो डाउट अबाउट इट ठीक है बट आतिफ इज डूइंग वेल एंड अली सफर इज मल्टी डायमेंशनल ठीक है एंड वेरी नाइस यू सी ही डज द एक्टिंग डज फ्लॉलेस एक्टिंग हिज सिंगिंग इज फ्लॉलेस His everything is very well. All rounder. All rounder. अच्छा, yeah. wonderful यार, that's जबरदस्त. अच्छा, मुझे ये बताइए, हसन भाई आपसे सवाल ये है, family में कोई singer था? नहीं कभी. ऐसे कैसे शुरू किया ये काम? मेरी family में कभी कोई नहीं था. मुझे painting का बहुत शौक था. मैं art lover हूँ. ठीक है. Painting में माशाल्लाह बहुत अच्छी करता. अच्छा, अभी भी करते हैं? अभी तो नहीं कर पाता. अच्छा, लेकिन की है आपने? की है मैंने बहुत. अच्छा. और अपने जो heroes जैसे मोहम्मद अली क्ले तो फिर उस दौरान जाहिर है रेडियो बजते थे सुनता था तो मैं सोचता था कि इतने खूबसूरत लोग हैं कितने से छोटे डब्बे के अंदर वो कितना खूबसूरत पर्सनैलिटी के लोगों में जो इतनी अच्छी आवाजें इनकी तो फिर मुझे जाहिर अकल तो इतनी थी नहीं बच्चा बचपन तो ऐसे ही होता है तो मैंने तोड़ा उसको मैंने कैसे देखे तो जाहिर कुछ होता ही नहीं उसके अंदर तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि इंसान गाता है तो उसको वो एक साउंड होता है इस तरह की चीज़ें मशीनरी में आवाज़ रिकॉर्ड होगी ये होगा तो फिर मैंने अपने तौर पर उन तरह के गाने रेडियो बजता उनके साथ गाना शुरू कर दिया इस तरह से गाते गाते मुझे सिंगिंग की अवेयरनेस बढ़ती चली गई फिर जैसे एजुकेशन के हिसाब से फिर देखने लगा तो टेप रिकॉर्ड्स में क्या कैसेट लगाओ और ये इस तरह की चीज़ें उनको उसके साथ गाते 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 ये फिर मुझे सेंस होने लगा फॉर्मल ट्रेनिंग बिल्कुल कोई और ये जो गाने लिखते हैं आपके हवा हवा ये किसने लिखा होगा ये मोहम्मद नासिर साहब ठीक है और आपके बाकी शादी ना करना असल में मेजर जो लाइन होती है वो मेरी अपनी क्रिएशन होती है ठीक है क्यों ड्यूरिंग द ड्राइविंग या कोई काम कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा होता हूँ कि कोई नई बात क्या
तो वो मेरे जहन को अट्रैक्ट करता है, तो मैं सोचता हूँ इसमें कोई दम है, इसमें बात है, तो वो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ या लिख लेता हूँ, उस ट्यून को ले जाकर फिर मैं म्यूज़िक अरेंजर के साथ बैठता हूँ और पोएट के साथ बैठ के उनको बताता हूँ कि ये मेरा फीलिंग है, मेरी मुखड़ा ये है, इसको अब आप अपने हिसाब से इसको आप बनाइए, कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फिर हम साथ बैठ जाते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। तो शादी ना करना, नदीम असद साहब हैं, ये यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल कर रहे थे उस वक्त, इन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई गाना नहीं लिखा था, नहीं लिखा था। तो मेरे दोस्त ने उनसे एक कम्युनिकेशन कराया, उन्होंने कहा यार मेरा 7th क्लास फेलो बड़ा अच्छा पोइट्री उसको आती है, तो मैंने कहा मुझे मिलवा दीजिए उससे। उन्होंने मिलाया तो मैं अपने अपार्टमेंट में उनको बुलाकर मैंने कहा यार ये मैंने सोचा है, फिर वो बैठ के फिर जब लिखने लगे तो हम दोनों मिल के लिखने लगे, और लिखते लिखते फिर वो गाने आज नदीम असद साहब ने कम से 2-3-4 हज़ार गाने लिख दिए। फर्स्ट सॉन्ग मेरा उन्होंने लिखा शादी ना करना। अच्छा, जबरदस्त है। शेखी भाई, आपकी फैमिली में कोई सिंगिंग में था? My maternal father, मतलब grandfather, he was a poet who used to recite his poetry in melody. Okay. So he had a very good voice, that's my mother says. So I think वहीं से आया शायद। You originally आप कहाँ से हैं? Originally? We are originally Persians. Persian. But I'm a mixture of Persian, Turkish, British, Brohi. अच्छा, एंड ऑल्सो अरबिक, इट्स ऑल मिक्स। लैंग्वेजेस आती हैं सारी थोड़ी 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 सब बोलते हैं। पहला गाना पीटीवी के लिए जो किया, मिली नगमा, मिली नगमा की बात करते हैं, आपके मिली नगमे भी बहुत पॉपुलर हुए हैं। हाँ, मिली नगमा, इसी मिली नगमे में बात यह है कि कुछ आर्टिफिशियलिटी नहीं होती है, इसी वॉट एवर इट इज़ वेरी प्योर, जैसे वो वर्ड्स हैं जो शायर लिखता है और अप्रूव होता है टेलीविजन से, वो वर्ड्स में इतना सब्सटेंस होता है, इतना कंटेंट होता है, इतनी जज्बात होते हैं कि यू डोंट नीड टू मेक दोज इमोशंस, दे कम ऑटोमेटिकली। बिल्कुल ट्रू, आई एग्री। इसीलिए वो जब मैंने पाकिस्तान गाया तो फुल ऑफ लव, फुल ऑफ यू नो ओनरशिप फॉर दिस प्लेस दैट आई बिलोंग हियर। गुनगुनाएंगे? मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, इसके जो अशआर बहुत अच्छे हैं। गुलशन हो या पर्वत हो, हमसे कोई दूर नहीं, दिल किसकी तारीफ करे, हर गोशा है आप हसीन। गुलशन हो या पर्वत हो, हमसे कोई दूर नहीं, दिल किसकी तारीफ करे, हर गोशा है आप हसीन। धड़कन है पंजाब अगर, धड़कन है पंजाब अगर, दिल अपना मेहरान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, फैमिली लाइफ कैसी है आपकी? आप, यू आर मैरिड ऑब्वियसली, एंड हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? व्हाई डू यू आस्क? I've got 3 daughters, okay, and 2 sons, okay. And kya wo kar rahe hain? Wo koi unme se singing mein nahi hai, music mein nahi hai? Oh, my younger son does a full show on Facebook. Oh, achha. All by himself. Okay. You know, he's very creative, I must say, and he's very entertaining. Okay. Aur aap dekhte rahe, Ali Rida Shehki likha hoga. Achha. Ab kabhi pata nahi wo Mexican ban jata hai. Achha. Kabhi wo Arab ban jata hai. Achha. Kabhi Bengali ban jata hai. Achha. He does it so well. Oh, zabardast yaar. Zabardast, very nice. And my son, he plays guitar. Okay. Just it was my wish that one day I must play guitar, you know. Wo mujhse to ho nahi saka, but he fulfilled that. Family band. Hi ji. Haider. Haider is my son, plays very good guitar. Haider Shehki. My youngest daughter, she's an incredible singer. Oh, achha. Yes. Wow, wow. She sings in French and English. Oh. And the bad part is that they've forgotten Urdu. Oh. That's really bad about it. Okay. They only know English and French. Because your wife is... No, no, my wife was from here. Of course, we went from here, were there. Yeah. And I was living over there for quite some time, you know?
And I came back and got stuck here in my work. I keep on. Okay, they're still there, right? They're still there. They're still okay, okay. So you travel. They made their own life. Then they are independent adults now. Yeah, yeah, of course. Okay, lovely, lovely. Haan ji, aap bataiye, kitne bachche hain? So I got a one loving daughter. Ah, mashallah. Acha, acha, acha. My wife is no more, which is very sad. Acha, mashallah. Family mein sab supportive hain? हाँ सब जब हिट होने के बाद सब हो ही जाते हैं ये भी अच्छा है हिट होने के बाद सब हो ही जाते हैं उससे पहले नहीं होते नहीं उससे पहले तो सब सोच रहे थे कि क्या होने जा रहा है अल्लाह जानता कितनी देर स्ट्रगल किया आपने मैं तो स्ट्रगल अभी भी कर रहा हूँ रोज ही करता रहता हूँ स्ट्रगल ही है जिंदगी का नाम हाँ ये तो है कुछ ना कुछ नया करने के लिए आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल अब आप ये कभी ऐसा फील हुआ कि बहुत सारे नए लोग आ गए हैं तो कुछ हमारे गाने हम कुछ नया करें उस तरह से शायद अप्रिसिएशन मिलती है नहीं मिलती कुछ ऐसा फील होता नए लोग आते हैं तो आपको उससे एक टॉनिक मिलती है ठीक है क्योंकि आपकी जो एक 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 हाइप जाने के जो एक रेज है ना वो थोड़ा सा स्लो होने लगता है क्योंकि आपको नजर नीचे कोई आ नहीं रहा होता तो आप स्लो फ्रिक्वेंसी हो जाती जब लगता नहीं आता फिर आप पावर लेके अंदर आते हैं बाहर छोड़ने की कोशिश करते हैं तो न्यू आपको जो आते हैं तो मोर चैलेंजिंग इट्स वेरी नाइस और ये होने चाहिए नहीं होगा तो आग अगर भरी हुई है ना आपके अंदर तो आप कभी ठंडे हो ही नहीं सकते आग ही खत्म हो गई चिंगारी ही नहीं आपके अंदर तो क्या जलेंगे आप बहुत खूब बिल्कुल सही हाँ तो इसलिए मेरे मैं तो हर वक्त चार्ज रहता हूँ बिल्कुल सही किसी म्यूजिशियन ने या किसी सिंगर ने कभी आके बोला कि हमने गाना किसी को देना है और आप हमें बना दें हम गाएंगे वो गाना बहुत लोग कहते हैं बहुत लोग करते हैं बहुत जिन जिन सिंगरों को मैंने कराया वो हिट हो गए मसलन बहुत लोग हैं जो अच्छा यू डोंट वांट टेल यू डोंट वांट टेल ओके तो वो माशाल्लाह से वो हिट हो जाते हैं अल्लाह ताला की कोई चक्कर है उसकी रहमत है उसके करम हो जाता है वो मैं नहीं जानता मैं तो एक साफ दिल से किसी के लिए काम करता हूँ और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मुझे किसी से कोई डर खौफ जलन हरस ये नहीं है क्योंकि मैं सोचता हूँ उसको अल्लाह ने नाम दिया और दे मैं सोचता हूँ कि मुझ में क्या कमी है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसको मैं अपने आप को सोचता हूँ वो टाइम मैं उसके लिए सोचूँ कि उसने कैसे हिट हुआ क्या मैं अपने आप को सोचता हूँ मुझे क्या और करना है क्या नई चीज़ करनी है क्या क्रिएशन लानी है तो मैं अपने पर सबका अपना अपना एक हिस्सा है जो अल्लाह ने बांटा हुआ है किसी को कम ज्यादा इज्जत पैसा अपने हिसाब से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तो इसलिए मैं कोई भी हिट होता है मैं उसको दुआएं देता हूँ खुश होता हूँ कि अच्छी बात है सही आर्टिस्ट को हमेशा जिंदा रहना चाहिए बिल्कुल क्योंकि वी आर द फैमिली हम कहीं भी हों किसी भी सरहद के पास रहते हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं है तो आर्ट एंड कल्चर की एक उसकी हमेशा प्रमोशन हाइप बनी रहनी चाहिए क्योंकि आर्टिस्ट उसी से जिंदा रहेगा हवा हवा की जो इतनी कॉपीज हुई डिड यू गेट समथिंग फ्रॉम दिस लाइक उन्होंने कुछ किसी ने कर्टसी में पूछा या आपका कहीं नाम दिया या कुछ ऐसी बात हुई कभी या पैसा भेज दिया पहले यानी 17 कॉपीज अगर हो चुकी हैं हाँ मुझे बहुत देखिए अनु मलिक साहब का पप्पी लहरी अब मिक्का सिंह ने भी गाया उन्होंने तो सभी लोग और आपका अर्जुन कपूर अनिल कपूर ये सारे बड़े लोग हैं और इनकी इनकी ग्रेटनेस है उसमें वो मैं उनको इस अप्रिशिएट करता हूँ रिस्पेक्ट देता हूँ इज्जत करता हूँ क्योंकि वो बड़े लोग हैं कि जिसने जो काम किया उसको वो बताते हैं कि इनकी वजह से वो आज भी कहते हैं कि इतना बड़ा ये हिट गाना है कि हम बचपन से इस गाने को गा रहे हैं अनिल कपूर कहते हैं मेरे चाचू आज भी इस पर डांस करते हैं हर वक्त जब बजता हुआ हुआ तो ये ट्रिब्यूट है और एक अच्छा जेस्टर है उनका तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसी की वजह से मैं आज चल रहा हूँ क्योंकि गाने जब लोग गाते हैं तो आप नया साउंड उनको मिलता है नया स्टाइल से मिलता है तो और उनके अंदर चीज़ें इनहेंस होती फिर बोलते हैं हसन जहांगीर का ये गाना तो ये इससे बिल्कुल सही है शेखी भाई आप जिस वक्त आपने काम शुरू भी किया और व्हेन यू वर एट द पीक आलमगीर साहब भी थे आपके साथ और कौन कौन सिंगर थे उस वक्त में खालिद भाई थे ठीक है और मेरे ख्याल में फीमेल सिंगर्स थी कोई बहुत इस तरह की पॉपुलर खालिद फीमेल जी फीमेल हमारे साथ बहुत अच्छी अच्छी थी लुबना नदीम ठीक है वाज अ फीमेल सिंगर नाजनीन वाहिदी एंड फातिमा जाफरी दीज वर माय को सिंगर्स और अहमद रुशी साहब वगैरह तो आपसे पहले के थे वो ऑफ कोर्स तो बहुत पुराने अच्छा अब मुझे नाजिया और जुहेब जो थे वो आपके बाद के एरा के हैं नाजिया हसन जोहेब हसन यस इन फैक्ट दे केम अप विद द ट्रू पॉप टोन जैसा हम लोग तो बैठ के एक्सपेरिमेंट करते रहते कि बेस किक कैसे बनाए इसका टोन कैसे बनाए अच्छा ठीक है वो तो करके ले आते बिद्दू वाज देयर कंपोजर बिद्दू डिड वंडर्स एंड दैट एरा व्हेन दैट केम इट टुक द शोबिज़ बाय स्टॉर्म यस हां बट इट आई मीन इट दे वेंट अवे उन्होंने छोड़ दिया पता नहीं क्या हुआ देन द वाइटल साइन देन इफ यू रिमेंबर देयर इज अ बैटल ऑफ द बैंड्स एंड एवरीथिंग ऑल दोस बैंड्स दे जंप्ड इन
And Indus TV hua karta tha. Ghazalfar was Jiji unhone bahut music pe kaam kiya. To wahan se band aate gaye, phir Vital Signs came in. Ji. Phir Junoon came in. Phir karte karte now. And so many great bands and great musicians, great singers we Pakistan has produced. In fact, when I joined the St. Patrick College, we made a band called Beatles. Bugs. We copied Beatles. Okay. We used to sing the songs. Okay. And my it was called Bugs. Bugs. Okay. And I was the lead singer. And I used to sing Tom Jones, Engelbert, Humperdinck, Frank Sinatra. Wow. Okay, which one is your favorite English song? Favorite, jo aapne gaya ho, kabhi aapko yaad aaya, kaise sunate hain? Frank Sinatra, Elvis Presley. Do you remember a song? Do you remember a song right now? Oh yeah. Yeah, Duggan. Wise guys say, like fools rush in, but I can't help falling in love with you. Like a river flows, something that it goes, darling used to be something that I wanna be. Wise, like they say, wise guys say that fools they rush in falling in love. Okay? But I, wise guys say, don't rush in. Don't rush in love, yeah. Don't rush in. But I cannot help falling in love with you because you're so pretty. Yeah. So beautiful, yeah. Okay, Janab, Zabardast. हमारे दो लेजेंडरी सिंगर्स हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ऐसी क्योंकि मेरी मुलाकात आई थिंक बहुत अरसे बाद किसी शो पे ही हो जाती है तो होती मुलाकात लेकिन इस तरह से बैठ के गपशप कर रहे हैं कभी मौका नहीं मिला एंड इट्स सो नाइस टू टॉक टू यू गाइस यू नो दिस सो मच विद अस यू थिंक वी आर फ्रेंड्स वेरी वेरी थिक फ्रेंड्स But we see each other in TV in shows only. In concert. Yeah. Otherwise, we don't see each other, you know, okay. for years and years. ठीक है जनाब एक ब्रेक जी आप क्या कह रहे हैं? I like to congratulate because के आपके शो के 50 एपिसोड कंप्लीट हुआ है जी, गोल्डन जुबली है. Congratulations. Thank you. आपकी पूरी टीम को आपको और you have completed 50 years. Bold. Wow. No years, Shehki bhai. Not 50 years. 50 episodes. 50. 50 years. Me doing this show. Oh my God. बहुत congratulations. Thank you, yeah. Thank you. Thank you so much. एक break लेंगे हम अभी break से वापस आते हैं. फिर मैं बात करूंगी 50 years of this show. फिर तो मैं आपसे भी मतलब ज्यादा आपका इंटरव्यू तो मैंने पहले ही किया होगा 40 साल पहले. जरा एक ब्रेक लेते हैं. बोल लाइव विद अहसन खान देखते रहिए. Welcome back to BOL Nights with Ahsan Khan. और हमारे साथ मोहम्मद अली शेखी और हसन जहांगीर मौजूद हैं और हम क्या करने जा रहे हैं हम हमारी गेम की तरफ बढ़ेंगे I think you should go first. Sure, of course. Because you're very keen to go there, ना आपको आपका दिल कर रहा है वहाँ जाने का. I think जी जा रहा हूँ. ठीक है. आइए जी आइए. और शेखी भाई आप बताएं कोई नंबर या मैं भी बता सकता हूँ. हम ऐसा करते हैं नंबर वन निकाल लीजिए. क्या ख्याल है भाई? ठीक है नंबर वन. नंबर वन. वाओ. शेखी भाई क्या कौन सा गाना है? ये गाना है? गाना है? ये क्या कर रहे हैं शेखी भाई? कुछ बताएं ना यार. He's ओवर एक्टिंग इट. नो ही इज नॉट. यू हैव टू ट्राई टू टेल व्हाट इज ही सेइंग. इट्स सम काइंड ऑफ सॉन्ग मैन. सब kind of song क्या? Yeah. अच्छा इसका पहला लफ्ज क्या सॉन्ग का? पहला लफ्ज बताएं. हवा हवा हवा. अब आप निकालें नंबर फोर. ये गाना है या मुहावरा है? क्या बता सकता
पी 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 ये क्या हो रहा है? ऐसे ये कोई लफ्ज है? पहला क्या होता है? मैं बताऊं? हाँ शादी। अच्छा ये दूल्हा। यस आप अच्छा, काफी करीब है ना करना। बस आगे बोला नहीं शादी, दूसरा लफ्ज क्या? शादी, शादी न करना। ये कौन सा गाना है? इसका गाना शादी न कर। यार ले आया के शादी इन्होंने बता दिया बड़ी बात। भाई गाना चला जरा अभी हम गाना चला। क्या बात है अली भाई के लिए तालियां होनी चाहिए। क्या बात है, जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बड़ी बात है जी। आज अब शेखी भाई की बारी है। वाह अली भाई, मजा आ गया। आपने दोनों पकड़ लिया आपने लाइन में और बड़ी क्विक पकड़ा यार। हां माशाल्लाह, मैं तो बैठ देख रहा है। ऑलराइट, हम चूज करते हैं नंबर 3। यस नंबर 3, नंबर 3, आई नो नंबर 3। ओके आई गॉट इट। Take out my glasses. It's okay, you can wear your glasses, fine. ये बहुत ही गहरी जेब है जिसमें सामने चश्मा निकाला है जो निकल नहीं रहा था। 10 मूवीज की है अली भाई ने, ध्यान रखिएगा। मैं तो अब बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, एक्ट करना है। अल्लाह अल्लाह कर भैया, अल्लाह ही से डर भैया। यार कमाल कर दिया आपने, एक्टिंग बात सुनो, इतनी जल्दी पकड़ लिया यार, एक्टिंग इतनी अच्छी की ना अली भाई ने। ओके मैं तो पकड़ना ही था सर अली भाई की एक्टिंग। अच्छा नेक्स्ट नंबर, ग्रेट एक्टिंग अली भाई, ऐसे पिक किया मैंने, आपने क्या एक्टिंग की है। नेक्स्ट नंबर नहीं, आपको जो अच्छा लगता है मैं तो कहूंगा आप जो बता दें वो नंबर 2 में देख लेते हैं क्या है। हां नंबर 2 में देख, नंबर 2 अली भाई, नंबर 2। ओके अब गलती नहीं होगी अली भाई से, ग्लासेस में देखिए आप। ये अब ये गाना या मुहावरा क्या है? व्हाट इज इट? नहीं मुहावरा है शेखी भाई, ये तो बताइए गाना है क्या? यार बता नहीं, मेरी बात तो सुन ले, ये सॉन्ग है। क्यों बताऊं मैं? नहीं नहीं मुहावरा गाना क्या? You have to, क्या बोलते हैं आप उसको, गाना। अच्छा चले है ना, ये साइन तो बारात का है ना, साइन तो बारात का, दूल्हा दुल्हन की शादी। ये पहला क्या था, पहला वर्ड, पहला क्या था, ये क्या था? ये तो आप बीन बजा रहे हैं ना, कुछ बांसुरी बजा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं? बांसुरी ऐसे नहीं बजती। अच्छा बीन, हाँ बीन, सॉरी सर, हाँ बीन बीन, ठीक है। सांप बुला रहे हैं, बै क्या, बकरा? ए बाप रे बाप, बताऊं? नहीं टाइम इज अप, टाइम इज अप। नहीं ना अरे कमाल, इतना इतना इजी है यार, शादी का मैंने बताया ना, भैंस के आगे बीन बजाना। I made it so obvious, you know? अली भाई क्या बात है सर, you made it obvious यार, साउंड से पकड़ा मैंने, अगर ये वाह नहीं करते मैं नहीं पकड़ पाता, यकीन करे। मैं बकरा बोलता फिर नहीं पकड़ सकता। चले नेक्स्ट, अली भाई क्या बात है, एक और करते चले, अब अपनी मर्जी का नंबर उठा ले। लकी नंबर देखो अली भाई का क्या है। अली भाई कमाल की एक्टिंग, दिस इज गोइंग टू बी टफ। कुछ खा रहे हैं? हाँ। अच्छा ये गाय जो जमाइयां लेती है ना, भैंस भैंस भैंस, गाय ऊंट। ओह माय गॉड, ये क्या है यार? ये क्या है? ऊंट 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 है, हाँ ऊंट ऊंट ऊंट, कुछ खा रहे हैं ऊंट के, ऊंट के वो जो ऊंट जो खाते हैं ना, क्या मुंह करते रहते हैं, इसको क्या कहते हैं, चबाते रहते हैं ऊंट वाले, जो मुंह पकड़ के चल रहा होता है। टाइम इज अप, ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन ऊंट खा रहा है। There you are.
तो सर जीरा इतना जीरा उठ के मुंह में जीरा तो इतना सर उन्होंने मुंह ऐसे इतना बड़ा बड़ा हिल यूं यूं किया तो मैं तो बताना पड़ेगा ना नहीं तो मैं यूं करता आप क्या समझे बोल रहे आप क्या समझे मैं समझे आपके मुंह उठ के मुंह में नूड़ा दे दिया है इन्होंने कहा जा रहा अच्छा तुम लोग हार गए हम हार वो सब बाद में अली भाई जीत गए हां तो अली भाई अली भाई जिता दे अली भाई देखिए गिफ्ट अली भाई को जाएगा फिर जब मैंने मुंह बनाया फिर तो मैं लड़ूंगा गिफ्ट आधा आधा करा 50% मैं भी जीता हूं ना नहीं वो तो दो टुकड़े वो गिफ्ट के दो टुकड़े हो नहीं सकते ना बस एक और एक निकल इन्होंने तीन कर लिए आपने दो किए मैं जीत गया था तुम्हें ना तो मैं तो जीत गया था फौरन वो एक और कर फिर आप नंबर कट जाता है ना जब ज्यादा ये तो कमाल है मार्क कट जाता है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ओके क्या है द बेस्ट ओ माय गॉड किसियानी बिल्ली खंबा नोचे अब मैं जीत गया सर अब मैं जीत गया सर अब मैं जीत गया सर अली भाई जिता दिया आपने कमाल है मुझे जितवा दिया आपने अली भाई किसियानी बिल्ली खंबा नोचे जितवा दिया यार अली बात सुने एक्टिंग उन्होंने कितनी अच्छी की है वो तो जीता तो मैं ना बोल तो मैं पकड़ रहा हूँ ना सारे कौन जीते शेखी भाई आज फैसला करें आप जीते अली भाई बताएं आप जीते बोल एक आपने सिर्फ एक जवाब दिया इसने सारे जवाब दिए तो ही नहीं आउट ऑफ यू बोथ आप दोनों में से कौन बैठे ना नीचे बैठे आप दोनों में से कौन जीते ये बताएं ये मुझे नहीं पता नहीं अब ये बताएं ना आप ये मुझे नहीं पता गिफ्ट देना ना मुझे इसका मैंने भी तीनों बोले इसने भी इसने दो बोले एक आपने बोले तो फिर आप जीते मेरे ख्याल मैंने तो तीन बोला है सर किसानी बिल्ली खंबा नोचे भैंस के आगे बीन बजाना अच्छा पुगन पगाई खेलते जो जीतेगा वो बोल दे देगा पुगन पगाई क्या होता है चिड़ी उड़ी दोनों ले जाएंगे दोनों ले जाएंगे ऐसी यार कमाल है दोनों ले जाएंगे दोनों ले जाएंगे वो आधा तो नहीं हो सकता दोनों ले जाएंगे तोड़ के दे दे कॉइन दे यार मुझे सिक्का जमाओ सिक्का सबसे बड़ा हमारी टीम ने बता दी कौन जीता है शेखी भाई कितने वोट कर दिए दे दे भैया शेखी भाई ये ले शेखी भाई दिस मोबाइल इज योर्स शेखी भाई को दे गिव इट टू मी गिव इट टू मी गिव इट टू शेखी भाई सीनियर है तो उनका हक पहले बनता है मैं जूनियर हूं आपसे करंट पड़ रहा आपने मुझे मोबाइल ना देने पे करंट मारा है उन्होंने 440 वोट का करंट अली भाई कांग्रेचुलेशन जीत गए आप अली भाई को तालियां भाई खाली डब्बा जोरदार नहीं खाली नहीं अली भाई कितना खूबसूरत मोबाइल अली भाई कहां जाते रहे हैं आप आपका एतबार उठ गया है लोगों से तो ये ओह माय गॉड सेल्फी टाइम अली भाई बीच में है ना आप तो आप जीते रहे फिर भी अली भाई जीत गए भाई ओह वंडरफुल कांग्रेचुलेशन अली भाई यू विन दिस मैच ये ले बड़ा तेज है बताइए मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं बाद में बताऊं बाद में जीतने पे भी कह रहे बाद में बताओ मारेंगे भाई भाई अली भाई शराफत का जमाना नहीं देखे हम हां ना अली भाई जीत गए अली भाई यू विन दिस मैच यार एक छोटा सा ब्रेक लेते हमारे साथ में बोल लाइट विद एहसन खान जनाब और यार एक्चुअली मुझे मैं इतना हंसा हूं और मुझे लगा कि इस शो का टाइम बहुत जल्दी गुजर गया आई जस्ट थॉट इट्स ओनली 20 or 25 minutes बट इट्स ऑलमोस्ट 45 minutes नाउ जाने से पहले एक तो बेस्ट विशेस फॉर बोथ ऑफ यू आप लोग माशाल्लाह इतने सालों से 40 साल और 40 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं माशाल्लाह और अल्लाह ताला इतना ही और आप लोगों से इससे भी ज्यादा काम करें और अच्छा काम करें सेहत के साथ विद हेल्थ एंड विद वेल्थ एंड एवरीथिंग विद फेम और इंशाल्लाह अच्छे अच्छे काम बस करते हैं आमीन सुम्मा आमीन जाते जाते अपने फैंस को अपने लोगों को कुछ कहना चाहेंगे शेखी भाई आप क्या कहेंगे भाई
میرا تو میسج یہ ہے کہ ہر حال میں آپ خوش رہیں. لرن ٹو انجوائے دا پریزنٹ دا مومنٹ ایوری مومنٹ اینڈ دوسروں کو بھی خوش رکھنا سیکھیں. یہ بہت بڑی خدمت ہوگی آپ اپنے لیے بھی اور انسانیت کے لیے بھی. اور ظاہر ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو خوش کرو گے تو وہ خوش ہو گئی. بہت یہ میرا میسج. آپ کیا کہنا چاہیں؟ میں کہوں گا کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں. ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا, تو اس لیے پولوشن کنٹرول, جو گندگی روڈوں پہ پھینکتے ہیں, ڈسٹنگ, یہ ساری چیزوں کا کیئر کیجئے. کیونکہ آپ نہیں ہوں گے لیکن آپ کے بچے اولاد فیوچر ہوگی, تب ان کا کیئر کیجئے. لائف ان کو بھی جینا ہے, بی کیئرفل. بہت خوب جی, زبردست میسج ہمارے دونوں زبردست سنگرز کی طرف سے. اور جناب آج کی ایپیسوڈ سے مجھے اجازت دیجیے, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آئی ایم ٹیلنگ یو آئی ہیو ہیڈ سو مچ آف لاف اینڈ انجوائڈ سو مچ ان دس شو. It was a very funny show, especially the acting part of Shehki. It was so funny, honestly. So, janab, inshallah, next week mulaqat hogi. Ijazat dijiye. Allah Hafiz.